एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन फोटो वीडियो कैसे भेजें, इसके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको करना क्या है, जिस मोबाइल से आप भेजना चाहते हैं कोई भी फोटो वीडियो, उसमें आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है इनशेयर। प्ले स्टोर पर आप सर्च करेंगे इनशेयर एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जिस मोबाइल में आप रिसीव करना चाहते हैं उसमें भी आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, तो प्ले स्टोर से आपको इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद आप ओपन करेंगे। यहाँ पर जिस मोबाइल में आप फाइल जो है ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस मोबाइल में आपको सेंड बटन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर ऐड आएगा, इसे आप कट करेंगे। उसके बाद जिस मोबाइल में आपको फाइल जो है रिसीव करना है, जिस मोबाइल में आपको जो फोटो वीडियो लेना है उसमें आपको रिसीव बटन पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर जो है ब्लूटूथ वगैरह का परमिशन मांगेगा, आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद यह QR कोड देखने को मिल जाएगा। अब आपको वह मोबाइल लेना है जिस मोबाइल से आप फाइल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उस मोबाइल में जो भी आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं एप्लीकेशन, सॉन्ग, म्यूजिक, फोटो वीडियो, वो सभी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर कोई भी फोटो एंड वीडियो और एप्लीकेशन सिलेक्ट करके जो भेज कर आपको दिखाते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन हम एक सिलेक्ट करते हैं, तो जो भी भेजना है वह आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेंड बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ब्लूटूथ का ऑप्शन इनेबल करेंगे एंड यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जिस मोबाइल में रिसीव करना है उसमें आप यहाँ पर रिसीव बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यह QR कोड इस तरह से आप स्कैन करेंगे एंड यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पर कनेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कनेक्ट होने के बाद जो है यहाँ पर जो भी फाइल आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वह यहाँ पर ट्रांसफ़र होने लगेगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सेंड हो चुका है एप्लीकेशन, जो यहाँ पर सेंड हुआ है उसे यहाँ पर आपको ओपन करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, बाकी फ़ोटो वीडियो जो आपके इस मोबाइल में देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरह से जो है आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन, फ़ोटो वीडियो, कोई भी फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।